नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमेठी टेक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने YouTube के बैकग्राउंड में अपना फोटो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छा खासा फोटो यहाँ पर लगा हुआ है और YouTube इस प्रकार से आपका ओपन होगा। तो दोस्तों, आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप हमको वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके फीचर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो भी हमारा लगा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली अपने फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड। जब आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैकग्राउंड में चला जाएगा। आप बिना देखे हुए आपका वीडियो जो साइड में बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो चल रहा है। उसके बाद जब इसे फिर से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप फिर से यूट्यूब पर अपने आ जाएंगे। उसके बाद मैं अब बाइक चलाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी को साइनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट निशान पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। जब सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है ओजी सेटिंग। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट मोबाइल डाटा क्वालिटी। जिस प्रकार से आप जितना सेट कर देंगे आपका वीडियो उतने ही क्वालिटी में चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि ऑटो स्विच टू बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड को बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर, आप यहाँ पे जो भी सेट कर देंगे ऑटोमेटिक आपका जो आप तो दोस्तों, जैसे आप जनरल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लिमिट मोबाइल डाटा, उसके बाद ऑटो प्ले। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है रेट्रेक्टिव मोड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यूट्यूब पे कोई भी गंदा प्रकार का कोई भी खराब वीडियो नहीं आएगा। या आप इस प्रकार से इसको ऑन करके अपने बच्चे को या अपने घर वाले किसी को भी मोबाइल दे सकते हैं तो आपको आपके मोबाइल में आपके यूट्यूब में कोई भी गंदा वीडियो नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड, 25 MB का ये फाइल है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो मैं अपने चलाता हूँ अपने यूट्यूब पे। उसके बाद जब इसको ओपन करूँगा तो ओपन करने के बाद इस प्रकार से आएगा, प्लीज इंस्टॉल द माइक्रो जी ऐप फ्रॉम माई साइड। तो इस पर आप ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमारा ओपन हो रहा है appmiro.com। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो आप यहाँ पे नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक लिखा है डाउनलोड ऐप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा स्टार्टिंग डाउनलोड हमारा डाउनलोड होने लगा है। तो आप देख सकते हैं 40% हो गया, 52%, 62%। इस प्रकार से ये भी डाउनलोड हो जाए तो आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस प्रकार से यहाँ पे ओजी यूट्यूब लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया तो इस प्रकार से ओपन आ रहा है। जब आप उसको भी माइक्रो जी को इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक यूट्यूब सेट हो जाएगा। दोस्तों, आप किस प्रकार से फ़ोटो का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। आप जिस फ़ोटो को आप अपने डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे, होम पेज पे रखेंगे तो उसी प्रकार से आपके मोबाइल में भी यूट्यूब का जो बैकग्राउंड है वो भी वही सेट होता हुआ आएगा। तो अभी दोस्तों, मैं पहले से इंस्टॉल नहीं किया हूँ तो इस प्रकार से आ रहा है। तो आप जो भी अगर आप सेट किएंगे अपने स्क्रीन पर, वॉलपेपर, वही आपका यूट्यूब के बैकग्राउंड में भी आएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू।